ये है सबसे पुरानी बोट। पता ये मुझसे भी पुरानी है। मैं और साली इस बोट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये हमारे अंडर ही रहती है। ये अभी भी बहुत बढ़िया दिखती है। तुम्हें पसंद है? चलो अच्छा है। अच्छा हुआ तारीफ कर दी। हेलो मैडम, मेरा नाम निहान है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम मुझे केमाल के दोस्त के तौर पर स्वीकार कर लेती हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जलने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम यहाँ जब से हो मैं यहाँ नहीं थी, तुम ही। अच्छा तो तुम कहती हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कितनी अच्छी हो। हाँ कह दिया। नहीं बता सकती है हमारी बीच की बात? ऐसा क्या, तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। आ जाओ एक सेल्फी लेते हैं। जहाँ तुम कभी नहीं गई, वहाँ कोई परिवार नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, तुम बहुत बोर हो जाओगी, खुद को बहुत अकेला महसूस करोगी। तुम क्यों, तुम नहीं आओगे क्या? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है तुम्हारे अलावा, सच में। तुम सच में मेरे साथ आओगी ना? मैं सच में तुम्हारे साथ आऊंगी। बारिश भी क्या टाइमिंग है। क्या मुझे बादल या जहाज चाहिए? तुम मुझसे मिलने आई हो या किसी और से मिलने? तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिलने आई होंगी, बताओ जरा। तुम्हें सीमैन होना चाहिए था। जहाज और बादलों के साथ, मछली और पानी। क्या बोलने आई हो? अपने आप को समुद्र में फेंक दूं, जैसे कि किसी चीज का इंतजार ही नहीं है। एक पहिए की तरह, एक चापू की तरह, एक नाव की तरह, एक मछली की तरह, पानी की तरह। जिस बोट में जाएंगे वो बोट ही जल जाए तो क्या होगा? इसका मतलब है तुम भी मेरी तरह ही सोचते हो। तुमने मेरी हेल्प क्यों की? क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है मेरी वजह से। ये बताओ तुम इन सब से कैसे बाहर आओगे? हाँ केमल, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बता देना।
नहीं। अगर तुम्हें वो पेपर वापस मिल जाए जिस पर तुमने सिग्नेचर किया था। नहीं, मैं कुछ और रास्ता ढूंढ लूंगा।